Imagine, you wake up in the morning, college 1.5 hours की दूरी पर है और एग्जाम 40 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। हेलो, कहाँ पर है भाई? यार 9 बज गए, तू कह रहा 9 बजे तक कॉलेज आ जाएगा, इतना लेट हो गया। आप सबको लग रहा होगा कि मेरे कॉलेज में पहुंचने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है मेरी लेजीनेस, पर नहीं, एक्चुअली मेरे घर से मेरे कॉलेज तक का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, जहां मुझे पहुंचने में लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे। और क्योंकि मुझे कॉलेज जाते हुए मायापुरी से होते हुए, शादीपुर से होते हुए, पहाड़गंज से होते हुए जाना पड़ता है, तो 1.5 घंटे में मेरा कॉलेज पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अगर मेरे घर से कॉलेज तक मैं डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके जाता तो शायद मैं एग्ज़ाम दे सकता था। यही कोई टाइम है आने का, तो 10 मिनट लेट हो चुका है, एब्सेंट लग गए थे, क्या फ़ायदा पाके? बात अभी भी नहीं बनी। ऑल दो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, पर फिर भी मैं कॉलेज टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो मुझे एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत है जो डिस्प्लेसमेंट से भी छोटा हो। बट इज दैट इवन पॉसिबल? डिस्प्लेसमेंट से छोटा कुछ नहीं होता, वी नो इट, राइट? एग्जैक्टली, बट नॉट इफ आई यूज द आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। मतलब वर्म होल यार, वर्म होल। 1935 में फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करते हुए बताया कि हमारी फिजिकल रियलिटी में कुछ ब्रिजेस हैं जो 2 पॉइंट्स को एक साथ जोड़ती है। ये यूं कह लो कि हमारे फिजिकल रियलिटी में कुछ शॉर्टकट्स हैं। इन्हीं शॉर्टकट्स को उन्होंने नाम दिया द आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या फिर वर्म होल। यानी कि अगर मैं अपने घर से कॉलेज तक एक वर्म होल को यूज करते हुए जाऊँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट से भी कम टाइम पर कॉलेज पहुँच सकता हूँ और मैं एग्जाम दे सकता हूँ। हेलो, कहाँ पर है भाई? यार 9 बज गए, तू कह रहा 9 बजे तक कॉलेज आ जाएगा, इतना लेट हो गया। हेलो, अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फोन भी कट गया बाद में। अरे तू आ गया, ये तो घर पे होगा। चल आ जा, 40 मिनट पढ़ाई करते हैं। आ जा, आज कैदी बार आया। चला फाइनली। तो फिर मैंने वर्म होल्स को यूज़ क्यों नहीं किया? अरे एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नहीं दो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। हालांकि आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्म होल के एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकली तो प्रूव कर देती है, बट फिजिकल रियलिटी में इसके ना दिखने के 2 रीजंस हैं, साइज और स्टेबिलिटी। साइज, क्योंकि वर्म होल्स जो हमारे नीचे में प्रेजेंट होते हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इवन एटम्स और मॉलिक्यूल से भी छोटा, तो इनके थ्रू किसी इंसान को या इन्फॉर्मेशन को पास करवाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत छोटे होते हैं वर्म होल। अरे कितने छोटे होते हैं, 1/100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 0
स्टेबिलिटी, क्योंकि वर्महोल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल भी होते हैं और ये अपने आप पर ही कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वर्महोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो वर्म होल्स है ये भी अपने साइज में एक्सपैंड कर रहे हैं। और रही बात स्टेबिलिटी की, तो रिसेंट रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन वर्म होल्स में एक्सोटिक मैटर प्रेजेंट हो वो वर्म होल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल रह सकते हैं। एक्सोटिक मैटर
एग्जॉटिक मैटर. एग्जॉटिक मैटर बेसिकली ऐसी स्टेट है जिसमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी और नेगेटिव प्रेशर होता है. ये क्वांटम थ्योरी के कुछ वैक्यूम स्टेट्स में ही पाया जाता है. अब ध्यान रहे कि ये जो एग्जॉटिक मैटर है और जो डार्क मैटर और एंटी मैटर है, ये सारी अलग अलग चीज़ है. अब अगर किसी वर्म होल में सफिशियंट अमाउंट ऑफ एग्जॉटिक मैटर प्रेजेंट हो, चाहे नेचुरली या आर्टिफिशियली, तो हम उसको कुछ टाइम तक स्टेबल रख सकते हैं और उसको इतना बड़ा बना सकते हैं कि उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन या फिर एक इंसान पास हो सके. और हाँ, इट इजंट इम्पॉसिबल. तो चलिए इसी थ्योरी को अप्लाई करके देखते हैं और एक बहुत ही मस्त सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्म होल्स. ओके, लेट्स से मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में लगते हैं 7 सेकेंड्स. अब अगर मैं वर्म होल को यूज करूं तो मुझे लगते हैं 4 सेकेंड्स. अगर वर्म होल और डेंस होता तो मुझे लगते हैं 2 सेकेंड्स. थोड़ा और डेंस और मुझे लगे 0 सेकेंड्स. मैं बस 0 सेकेंड में ट्रैवल कर गया. मतलब इनफाइनाइट स्पीड. मतलब जिस पॉइंट पर मैंने एंट्री ली, मैं उसी पॉइंट पर एग्जिट कर गया. एक मिनट, अगर मैं इस वर्म होल को थोड़ा और डेंस बना दूं, तो क्या मेरे एंट्री लेन से पहले ही मेरी एग्जिट होगी? लेट्स गिव इट अ ट्राई मैन. डिड आई जस्ट ट्रैवल बैक इन टाइम? गाइस, हमने वर्म होल का यूज करके टाइम ट्रैवल करनी है. लाइक लिटरली मैं उस पॉइंट से एंट्री लेने से पहले ही मैं इस पॉइंट से एग्जिट कर गया. टाइम ट्रैवल इज रियल. ओके, कुछ एक्सट्रीम ट्राई करते हैं. एंड आई नो व्हेयर टू गो. What would that mean? That would mean that a person has reached point B much before he has even left from point A. That means he is traveling in negative time, and that means exactly time travel.